या बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि आमचे अपडेट्स मिळवा. सिंगल रहने के फायदे बड़े अच्छे अच्छे सिखा दिया आपने. लड़कों को क्या बोलना चाहेंगे जो बेचारे सिंगल मतलब नहीं रहना चाहते लेकिन डबल भी नहीं हो पाते हैं? आई थिंक उनके लिए आप अच्छी एडवाइस दे सकते हैं. मेरे पे खेल रहे हैं यार, मतलब ये बेचारा टाइप का है. मैं तो उन लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी जैसे कि जो प्रफुल्ल है, उनकी जो कहानी है वो एक डिवोर्सी है और उसने शादी का लड्डू खाया है, उसको उसे बदहजमी हो गई है. अब उसको प्लीज़ सिंगल रहने दो. बाकियों का मुझे पता नहीं, टू ईच हिज और हर ओन. लेकिन इन मोहतरमा को सिंगल रहने दीजिए, इन्होंने बड़े दुख सहे हैं ज़िंदगी में. डेट करने से अच्छा है कि सिंगल ही रहने दें. मुझे तो नहीं लगता सिमरन को कोई बॉलीवुड एक्टर को डेट किया होगा प्रफुल्ल ने, लेकिन उसने जो उसका शादी से जो एक्सपीरियंस रहा है उससे तो आई थिंक अच्छा है कि वो सिंगल ही रहे. या आई थिंक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग सिंगल? एडवांटेज इज़ द लाइटर साइड ऑफ इट, कि वो जो हमको बचपन में जो काजल गाती थी, मेरे ख्वाबों में जो आए, यू नो यू ऑलवेज थिंक द वन आई विल एंड अप विद हु ही विल बी, एंड यू हैव वेरी ग्लोरियस पिक्चर ऑफ दैट. एंड कंपेनियनशिप जैसे होता है ना कि चलो अब ये हैं जनाब तो इनके साथ में गाड़ी खींचो जैसे तैसे खींच रही है. अदर साइड इज दैट.